हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल पीसी ब्यूटी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आई हूँ होम रेमेडी। आप लोगों ने बोला था कि इस पे ज़्यादा तेल हो जाए तो उसे छुटकारा कैसे पाया जाए। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, फेस पे एक दो तिल हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो आपके फेस पे ज़्यादा हो जाए डॉट 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 तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो एक्स्ट्रा तिल है आपके फेस पे, उन्हें कैसे ख़त्म करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक रात में आप ये लगाइए और आपका बिल्कुल एक रात में ये तिल गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें सब पता है कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जो ये रेमेडी है वो धीरे धीरे काम करेगा। अगर आप एक हफ्ते कंटिन्यू रोज़ रोज़ लगाते हैं तो बिल्कुल गायब नहीं होगा, लेकिन आपको फ़र्क दिख जाएगा। जो ब्लैक तिल हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, और ऐसे ही अगर आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो वो जड़ से ख़त्म भी हो जाएंगे। तो आप ये रेमेडीज़ यूज़ करिए और रिज़ल्ट आने पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लहसुन की 4-5 कलियाँ ली हुई हैं, क्योंकि फेस पे जितना तिल है उसी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ज़्यादा है तो ज़्यादा ले ले, कम है तो कम ले ले, क्योंकि ये आपको तिल पे ही डैप डैप करके लगाना है। और इसे क्रशर से पहले क्रश कर ले। फ्रेंड्स, आप लहसुन की कलियों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने कम है कि आप ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि आपको क्रश कर लेना है। एकदम ही बारीक वाला क्रशर लेना है, मोटा नहीं लेना है ज़्यादा। तो अब हमारी लहसुन की कलियाँ क्रश हो चुकी हैं, तो अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अपने फेस पे यूज़ करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को रात में ही लगाना है, तो आप जब सोने जाएं तो अपना फेस वॉश कर लें, और जहाँ जहाँ आपका तिल है वहाँ पे आप उसे कवर करके लगा दें, और पूरी ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, और सुबह अपने फेस को धो लें, ठंडे पानी से धो लें, और फेस वॉश तुरंत ना करें, बाद में करें। फ्रेंड्स, जैसे ब्लीच करते हैं वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा इससे भी जलन होगा, अदरे आप इसे पूरे फेस पे ना लगाएं, जहाँ तिल है वहीं लगाएं। दूसरी रेमेडी प्याज है, तो मैंने यहाँ मीडियम साइज का छोटा प्याज लिया है, क्योंकि इसमें से भी बहुत रस निकल जाएगा। फ्रेंड्स, प्याज का रस निकालने के लिए मैं इसे क्रश कर रही हूँ, आपको भी बारीक क्रश करना है। बारीक क्रश करने से ज़्यादा रस निकलता है, अगर मोटा मोटा कर देंगे तो आपको कम रस मिलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ बारीक ही आपको करना है। हमारा प्याज क्रश हो चुका है, अब इसे एक बॉल में छन्नी की सहायता से छान के इसका रस निकाल लेंगे। अब प्याज का रस निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें प्याज का रस लगाना है, प्याज को डायरेक्ट नहीं लगाना है। और आप प्याज का रस अपने फेस पे जहाँ जहाँ तेल है वहीं वहीं लगाएं, और इसे 2-3 घंटे के लिए ही लगाना है। तो इसे आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में आप 2-3 घंटे के लिए लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे चम्मच से इसे दबाएँ ताकि इसका रस पूरा निकल जाए। हमारा रस तैयार है, देखिए कितना सारा रस निकला है। तो अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है मैं अपने फेस पे यूज़ करके दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, प्याज के रस को आपको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे वहीं लगाना है जहाँ आपको तिल की प्रॉब्लम है, जहाँ का आप तिल हटाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।